अच्छा बेटा, देव को वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा दिया और खुद यहाँ आलिया के साथ मजे ले रहा है। बताना पड़ेगा देव को। हाँ विकी बोल। देव, तुझे एक न्यूज़ देनी है। तू वहाँ हॉस्पिटल में बैठा और यहाँ सारांश आलिया के साथ घूम रहा है। एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों। क्या? उसको कल का झटका काफी नहीं है क्या? और एक झटका देना पड़ेगा। उसको याद दिलाना पड़ेगा कि देव चौधरी क्या कर सकता है। थैंक्स विकी, ऐसे ही नजर रखते रहना और न्यूज देते रहना। अभी उसका इलाज करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ। सारांश, सारांश, गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया तुमने। अब देव तेरा जीना हराम कर देगा। अब देख बेटा वो तेरे साथ क्या करता है। आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ना? हाँ, मैं परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। ये लो, मैं वॉशिंग जाके आती हूँ। ये किसका नंबर? हेलो हेलो, हाय, वही तो तुझे बंद करना था आलिया से। देव? हाँ देव। देव का मीनिंग तो याद है ना तुझे? देव मतलब भगवान, और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तू इतना बड़ा झटका इतनी जल्दी भूल गया? समझ में नहीं आता। मेरी बहन से दूर रहना है। अभी भी उसके साथ है। मतलब हम तो मैनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तेरी जान ना मेरे हाथ में। ज्यादा चालाकी मत कर। जुवेनाइल होम के बारे में पता है? तो वहाँ जाके प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं वापस पुलिस को बता रहा हूँ कि तूने मुझे मारा था। एक बार अंदर चला गया ना तो ऐसा केस उलझाऊंगा। 18 होने का तब तक तू वापस बाहर नहीं आ पाएगा। और उसके बाद बड़ों की जेल में। और बड़ों की जेल में कौन होते पता है? क्रिमिनल्स। वो तो बात की बात है। तेरी तो जुवेनाइल होम में हवा टाइट हो जाएगी। आलिया के साथ तो दूर, तो अपने फैमिली के पास भी नहीं जा पाएगा। एक बार अंदर चला गया ना तो वापिस पा आना इम्पॉसिबल। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, तेरे माँ बाप भी नहीं। तो बोल, बताओ पुलिस को जाना है जेल? नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। सरांश को क्या हो गया? कन्ना, सारांश, सारांश, बच्चा क्या हो गया? सब ठीक है ना? मुझे जेल नहीं जाना। अब जेल क्यों जाओगे? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? चलो मेरे साथ आ। मुझे जेल नहीं जाना। आ यहाँ पे बैठो। लो पानी पियो आराम से। अब बताओ, ठीक से बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताओ। डरो नहीं मम्मा है ना? मुझे देव ने फोन किया था। क्या? देव ने फोन किया था? पर क्यों, क्या कहा उसने? मेरा केस रिफंड कर देगा। मुझे जुवेनाइल होम भेज देगा। मुझे जुवेनाइल होम नहीं जाना है। मतलब देव आपको ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दिया उसने? फोन दो, मैं उसे बात करती हूँ। नहीं मम्मा नहीं। सारांश, बच्चा है, मेरी बात मानो, एक बार फोन दो, मुझे बात करनी है। तो यही नंबर है। देव? नहीं, यहाँ कोई देव नहीं है। इस नंबर से तो कॉल आया था, किसका नंबर है ये? मैं, ये मेरा नंबर है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अभी ड्यूटी का टाइम है, आप फोन रखिए। बहुत शातिर है लड़का, जानबूझकर किसी और के फोन से कॉल किया ताकि पकड़ा ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तरुण नहीं बच्चा, अम्मा है ना? क्या करूँ, कैसे रोकूँ इस देव को? रेवती रोक सकती है पर वो देव के खिलाफ कुछ सुनेगी नहीं। बिना सबूत के वो भी नहीं मानेगी। कोई सबूत ही देना पड़ेगा उस देव के खिलाफ। उसे दिखाना पड़ेगा जिस देव को वो आदर्श बेटा समझ रही है वो कितना बड़ा शैतान है। मुझे कुछ भी करके देव की सच्चाई रेवती के सामने लानी ही पड़ेगी, तभी मैं अपने सारांश को बचा सकूंगी। और मैं अपने सारांश को बचाऊंगी किसी भी कीमत पर।